कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है एज इट इज, सबका पार्ट फिक्स है। दूसरी बात, भाग्य बनाने की कलम भाग्य विधाता ने बच्चों को दिया, दोनों बातों में भेद कैसा? अभी सुना है, जिसने लिखा था उसको समझ में आया? अब भी सुना है, पहले प्रश्न इधर देखा, समझ में आया? जिसको जिसने लिखा समझ में आया तो रिपीट करो, जिसको लिखा बताओ समझ में आया, ठीक है? दोबारा जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा दोबारा चाहिए? अच्छा दोबारा चाहिए। देखो ड्रामा, बाबा कहते हैं ड्रामा के गुह्य राज को जानो। ड्रामा क्या है? आत्मा ने इस शरीर में आके जो कुछ कर्म करते हो रिकॉर्ड हो रहा है, वही रिपीट होता जाता है ना। अगर मैंने कल गलत किया, कल गुस्सा किया था, आज मुझे ज्ञान मिला गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने ज्ञान और योग से उसको कंट्रोल किया, नहीं करना है आज के बाद। तो आपने जो पहले किया था वो मिट गया, तब बता योग की शक्ति से मिटाओ। तब बाबा ने कहा पतित आत्मा को पावन करने आया हूं मैं, मिटाने आया हूं। जिसने मिटाया वो परिवर्तन हो गया है ना, लेकिन सारा कार को परिवर्तन नहीं कर सकते, एक टायर एक ग्लास। आप 24 घंटा योग नहीं कर सकते, ड्रामा होना पूरे शरीर को चेंज नहीं कर सकते, इतनी तपस्या नहीं करते, थोड़ा करते, थोड़ा कोई कोई एक एक संस्कार को चेंज करो, तब का ड्रामा चेंज नहीं कर, संस्कार परिवर्तन, कोई बुरी आदत के परिवर्तन। तो ये प्रयोग है ज्ञान और योग से संस्कार परिवर्तन। ड्रामा शब्द है टोटल, टोटल को चेंज कर, इतनी करते नहीं हम, इतना कर नहीं सकते, एक एक संस्कार को चेंज करो। और विधि कल किया था, आज पता चला ज्ञान और योग के पर दवाई लगाओ तो दर्द मिट जाता है, नहीं लगाओ दवाई है तो ऐसी रहेगी। तो ये हूबहू रिपीट हो गया, दोनों आपके हाथ में। अभी बताया था हूबहू रिपीट करना या मिटाना आपके हाथ में है। तब कहते बाबा तकदीर आपके हाथ में, सत्युग में आना चाहते हो द्वापर में आना चाहते हो आपके हाथ में, मुक्ति में जाना चाहते हो जीवन मुक्ति में जाना चाहते हो आपके हाथ में। ये तकदीर के लेखा दिए है, कलम दिया, जितनी लंबी करना चाहते हो। अभी सुनाया, अगर आप 21 जन्मों के लिए भी 84 जन्मों के लिए भी आपके हाथ में।